बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग अगेन एक डोजी फॉर्म हुआ है, जिसको हम मॉर्निंग स्टार डोजी भी कह सकते हैं। इससे पहले भी यहाँ पे हुआ था, वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो यहाँ पे एक ये डोजी फॉर्म हुआ था और मार्केट इसी के अपसाइड परफॉर्म कर रही है। और इसकी जो ओपनिंग थी ये भी आपको बता दूं, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला इसकी जो ओपनिंग थी वो तकरीबन 61,600 के अराउंड थी, और यही ओपनिंग जो है ये अब इस वक्त जो है सपोर्ट ये एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। इधर इसको मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। 61,627 ये लेवल जो है, और इसी को जो है ऑनर भी किया है, रीटेस्ट भी किया है। इस वीक में दोबारा जो है देखें, ये जो वीक अभी लास्ट वीक गुजरा है जिसकी मैं अभी आपका रिव्यू पेश कर रहा हूँ, तो इसमें भी 61,637 का लो किया था। तो ये तकरीबन समझे 61,600 के अराउंड जो है, या बल्कि हम ये जो येलो कैंडल है इसकी नेक लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना, इसकी नेक लाइन 61,670 बनती है, ठीक है? तो ये एक सपोर्ट है। और इस वीक में जो ये लास्ट वीक में जो डोजी बना था तो क्लोजिंग इसके ऊपर आई थी, अभी भी इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है। दैट मींस कि एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के तौर पे हमें नजर आ रहा है ये वाला लेवल, 61,600 का लेवल। एक राउंड फिगर में आप ले लें, 61,600 61,700 जैसे ये लेवल जो था, इसमें भी इसने विक बनाया था। इससे पहले वाली वीक में देखें तो इसने लो किया था 61,082 का, ठीक है ये वाला। लेकिन क्लोजिंग इसके नेक लाइन अगर हम देखें तो इसकी क्लोजिंग जो है वो 61,700 पे आई थी। तो 61,700 600, ठीक है, या इवन ये वाला जो लेवल जो मैं इसको लो लेवल बताया था 61,000 का, तो ये वाला 61,000 का लेवल भी जो है 61,100 समझ लें और 61,000 ले लें, 61,000 से लेके 61,700, ठीक है। इसको आप अपने जहन में रखें कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, क्योंकि वीकली बेस पर है तो यहाँ पे कोई डोजी भी फॉर्म हो सकता है, कोई विक भी बन सकती है, यहाँ पे क्लोजिंग भी आ सकती है, नेक्स्ट कैंडल इसको निगेट भी कर सकती है, कंफर्म भी कर सकती है। तो इसी तरह का ख्याल रखें, कंफर्म हमेशा देखें, ब्रेक डाउन ब्रेकआउट के बाद इसकी कंफर्मेशन या निगेशन बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन है तो दैट मीन्स अगर अपसाइड पे कोई ब्रेकआउट मिलता है, उसकी कंफर्मेशन मिलती है तो मार्केट अपसाइड पे जाए परफॉर्म करेगी, और अगर ब्रेक डाउन होता है और उसकी कंफर्मेशन मिलती है तो मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। इसी तरह हम थोड़ा इसमें थोड़ा सा डाइवर्जेंस पे नजर डालें, आरएसआई पे देखें इसको भी। अगर ये लाइन चार्ट्स के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे देखें डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ एक डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे देखें, ये देखें, और मैं आरएसआई पे आपको बता देता हूँ। देखें ये डाउन साइड पे ये RSI पे भी एक डाइवर्जेंस यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है डाउन नीचे की साइड पे, ठीक है। ये देखें, ये अप साइड पे जा रहा है, यहाँ पे लाइन जा रही है, यहाँ पे डाउन साइड पे आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं ऊपर की तरफ तो यहाँ देखें ये डाउन साइड पे आ रहा है। दूसरा एक और भी इंडिकेशन जो है डाइवर्जेंस की, वो ये है कि देखें यहाँ पे ये वॉल्यूम में भी डाइवर्जेंस आ रहा है, वॉल्यूम भी देखें तो यहाँ श्रिंक होके नीचे की तरफ आ रहा है। मैं आपको थोड़ा अगर ये कैंडल से बता दूं, ठीक है, तो यहां से देखें अगर हम इसको भी सपोर्ट ले लें, ठीक है, ये वाला एरिया प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा, मैं एक मिनट इसको हटा के थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको ड्रॉ करके, ये वाला एरिया, ठीक है। इसने लो भी किया था यहाँ पे, इससे इसको तोड़ा भी था, लेकिन ये प्राइस एक्शन के हिसाब से 59,500 का लेवल जो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी से हम यहाँ आगे की तरफ लेंगे तो ये यहाँ से अगर हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको दो वीक मिल गई हैं, तो ये अपसाइड पे देखें ये इसी चैनल के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे ये लाइन चार्ट के हिसाब से बता दूं कि ये, ठीक है, ये वाला लेवल, ठीक है। तो अभी इसका जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को अगर समझना तो हम सीपीआर का लेवल देख लेंगे, 64,000 का।
64,000 का लेवल जो है ब्रेक होना बहुत जरूरी है, प्लस जो है यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है, ये सीपीआर की मदद से ले लें, वरना प्राइस एक्शन के हिसाब से ये 63,867 का लेवल है, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लें। यहाँ पे ये वाला लेवल ठीक है, तो अभी अगर सीपीआर के हिसाब से पिवोटल पॉइंट के हिसाब से अगर ये आ रहा है तो हम इसी को कंसिडर करेंगे टू बी ऑन द सेफ साइड। 64,000 का 64,100 या आप यूं समझ लें 63,800 से लेके 64,100 तक ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसका ब्रेकआउट मिलना जरूरी है विद कंफर्मेशन ठीक है। फिर अगर हम इसकी ये विक ले लेते हैं ठीक है, ये तकरीबन 65,200 65,300 इसका फिर इसके बाद ब्रेकआउट मिलना विद कंफर्मेशन बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। अच्छा थोड़ा सा हम ये डेली चार्ट पे भी नजर डाल लेते हैं, ये हमने वीकली तो देख लिया है, थोड़ा सा हम डेली पे भी नजर डाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं अभी फिलहाल ठीक है, इसको हम ले लेते हैं ठीक है। अच्छा यहां पर भी हम देखें तो इसको मैं थोड़ा सा और नैरो कर दूं ठीक है, इसको हम लाइन चार्ट के हिसाब से मदद से देखें तो इसमें भी हल्का सा यहाँ डाउन साइड पे ये डाइवर्जेंस बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हम वापस इसमें आ जाते हैं इसकी तरफ। अच्छा यहाँ पर हम जैसे मैंने अभी ये बनाया था लाइन बनाई थी मैंने, तो यही एक एक समझे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ये 65,200 65,300 स्टिल। अच्छा अब यहाँ डेली भी थोड़ा नजर डालें तो ये देखें यहाँ पे ये एक डोजी फॉर्म हुआ था, मतलब स्पिनिंग टॉप कह लें लेकिन मैं इसको डोजी कहूंगा, और यहां से इसको इसकी निगेशन मिली है। एक्चुअली ये था ग्रेवस्टोन डोजी या इन्वर्टेड हैमर था जो एक बेयरिश सिग्नल दे रहा था, तो उसकी निगेशन मिली है उसके वेरी नेक्स्ट डे, फिर इसके बाद इसकी कंफर्मेशन हुई है ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको बोला था कि 62,700 800 तो ये अभी भी इसको ब्रेक किया है 62, मैं आपको ये थोड़ा सा ये जूम इन करके इसको भी मैं डेली भी आपको समझा दूं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 62,000 ऑन शॉर्ट ग्राफ, ये याद रखिएगा मैंने कहा था 62,800 का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ऑन शॉर्ट ग्राफ, वो ये इसका मैंने नेक लाइन लिया था ये वाला, ये रेजिस्टेंस था 62,800 का ठीक है, इसको ब्रेक किया है लेकिन ये देखे इसके ऊपर अभी कोई कैंडल बनी नहीं है ठीक है, इसको हो सकता है इसकी नेगेशन मिल जाए, कोई दूसरी बेरिश कैंडल बनती है तो ये मार्केट नीचे की तरफ परफॉर्म कर सकती है, लेकिन अभी हमने डेली पे भी और वीकली पे भी सीपीआर के लेवल को फॉलो करना है, और सीपीआर का लेवल जो है इस वक्त जो 63,250 बता रहा है, यहाँ पे आके इसको रिटेस्ट कर सकता है और निगेशन भी हमको मिल सकती है और रिजेक्शन भी मिल सकती है यहाँ से कि भाई यहाँ बुलिश कैंडल बने फिर इसकी निगेशन मिल जाए। तो अगर हम देखें अभी फिलहाल ये एरिया 62,400 से लेके ठीक है, बल्कि हम इसकी नेक लाइन ले लें 62,400 ही समझ लें, 62,300 62,400 से लेके सॉरी 63,200 63,300 अगर हम इसकी भी नेक लाइन ले लें, ये भी फिलहाल जो है ये वाला लेवल ठीक है 63,800 का लेवल 62,800 से लेके 63,800 इसकी नेक लाइन और इसकी नेक लाइन रेजिस्टेंस, ये एक समझे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है ठीक है। तो अगर इवन यहाँ पे भी 63,800 के ऊपर भी मार्केट परफॉर्म करती है तो मजीद हम अपसाइड दे सकते हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड अगर हम पिविटल पॉइंट को देखें तो 64,100 का लेवल है ठीक है, इसके ऊपर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, अगेन फिर वही 65,300। अच्छा अब यहाँ पे एक और देखें चीज समझ में आपको बता दो समझाने के लिए, ट्रेंड लाइन ठीक है ना, अब यहाँ अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो फॉर सपोज ये चले मैं यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन भी बना देता हूँ वीक को लेके, तो ये देखिए हल्का सा यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन गई, तो ये इस वक्त अभी जब पहले तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा था वीक पे ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं, इसको हम थोड़ा सा यहां से एक्सटेंड कर लेते हैं ये वाला लेवल लेके ये ले लें, तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा था इसको ले लें और बॉडी को ले लें इसकी यहां से ये
ठीक है, ये मैंने लास्ट वीक भी शेयर किया था, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था और इसको ये यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ डाउन साइड पे, लेकिन क्लोजिंग जो है इसी लेवल पे हुई है, इसकी 63,000 के अराउंड जो है क्लोजिंग हुई है, लेकिन इसको रीटेस्ट किया था उसने, 63,800 का लेवल जो है ये रीटेस्ट किया था ड्यूरिंग द वीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक ये रिजेक्शन विटनेस की हमने, और मार्केट की क्लोजिंग जो है, जो इसका मिडिल बैंड है 63,251, उससे भी नीचे आई है अभी। तो जिस तरह मैंने आपको बोला था इसका मिडिल बैंड है सीपीआर का, इसके ऊपर परफॉर्म करना, सस्टेन करना मार्केट का बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। अच्छा, आरएसआई पे नजर डालें तो आरएसआई इस वक्त जो है 68 पर है, ठीक है, थोड़ा सा हाई है, ओवरबॉट जोन पर है इस वक्त। डेली पे नजर डाल लें थोड़ा सा, डेली में आरएसआई 48 पर है, ठीक है, यहाँ पे आया था ओवरसोल्ड जोन में 40 के अराउंड, 38, 39, 40, फिर यहाँ से हमने अपसाइड देखा, जैसे ही ओवरसोल्ड जोन में आया वहां से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है, जिससे हम कहते हैं ना पुल बैक, वहां से पुल बैक हुआ है मार्केट का। अच्छा, अगेन देखें, अब यहाँ पर भी आपको एक थोड़ी सी पिक्चर नजर आएगी कि ये वाला एरिया सीपीआर का मैंने बताया, तो अब अगर आप ये देख लें 64,000 या 64,261 ये वाला लेवल या ये वाला लेवल, ये फिर यहाँ पे ये रिजेक्शन आपको बता सकते हैं, ये वाला डेली पे। अच्छा, इसकी वजह ये है, अच्छा वॉल्यूम की भी कम होने की वजह ये कि पार्टिसिपेशन कम है, उसकी वजह आपको सबको पता है कि इलेक्शन है, वो तकरीबन अब समझिए 2 दिन ही रह गए, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो इसकी वजह से अभी जो इन्वेस्टर कॉशियस हैं क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कोई नई गवर्नमेंट आएगी उसकी क्या पॉलिसी होगी इकोनॉमी के हवाले से स्पेशली, तो उसका वेट कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत कम नजर आ रही है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो इस वक्त तकरीबन 133 जो है मिलियन, 134 मिलियन इस तरह के अराउंड हो रहा है ऑन डेली बेसिस पे, और वीकली बेसिस पे देखें तो और भी कम हुआ एज कम्पेयर टू लास्ट वीक, देखें तो लास्ट वीक में 1.2 का बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और इस वीक में खाली 821 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो इसमें हमको नजर आता है कि पार्टिसिपेशन कम है इसकी इन्वेस्टर की यहाँ पे, और वॉल्यूम जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी कम है यहाँ पे, और स्प्रेड भी थोड़ा कम है, इतना ज्यादा नहीं है, एक डोजी फॉर्म हुआ है, हालांकि स्प्रेड यहाँ पे भी था लेकिन रिजेक्शन बहुत लॉन्ग वीक नजर आई थी, और इस तरह यहाँ पे अप साइड पे सेलर एक्टिवेट थे, यहाँ पे बायर हमको एक्टिवेट नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरह से समझे इनडिसाइसिव पोजीशन है। मैंने पहले भी कहा था वीकली पे मार्केट इस वक्त साइडवेज ही नजर आएगी, और इसके मैंने आपको बता भी दिया था कि इस वक्त मार्केट जो है 62,800 से लेके 63,800 तक यहाँ पे मूवमेंट दिखा सकती है मार्केट, तो इस वक्त वही मैं आपसे कह रहा हूँ स्टॉप लॉस ट्रेडर जो है वो स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते हुए चलें, और जैसे ही मार्केट डाउन आती है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर को एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको डिस्काउंटेड रेट मिल रहा है, अच्छे अच्छे स्टॉक अगर मिलते हैं तो रैशनली बाय करें, स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप पता है बहुत अच्छी सर्कुलेटेड के बारे से खबरें हैं, पावर सेक्टर में है, न्यूज है, फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये अगर स्टॉक नीचे आते हैं अच्छे डिविडेंड ओरिएंटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट के हवाले से मैंने भी एक ट्वीट भी शेयर किया था कि चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है 46%, तो उनमें आप स्टॉक में देख लें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड है, जीएसपी प्लस के हवाले से मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी, तो उसमें टेक्सटाइल भी अभी काफी अट्रैक्टिव प्राइस में है, उनको आप पी रेशियो देख लें। केमिकल सेक्टर में लॉटे का मैंने बताया था, केमिकल में जो है थोड़ा सा डाउन साइड आया है इसका, पी रेशियो कम हुआ है और स्टॉक भी डाउन साइड आया है, तो इन इन स्टॉक को आप जो है जाहिर सी बात है जब मार्केट नीचे आती है करेक्ट करती है अपने आप को, तो डिविडेंड ओरिएंटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप कंपनी जो है उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं रेशनली। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।